हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। पहले तो ये जानते हैं कि डेल्टा बॉन्ड होता क्या है, फिर बात करेंगे कि ये कैसे बनेगा। यानी इट इज ए स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड जनरेट बाय फोर लूप ओवरलैपिंग, फोर लूप ओवरलैपिंग यानी चारों लूप एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम डेल्टा बॉन्ड, और स्ट्रांग है पाई में भी। तो कैसे बनता है, अब बात करते हैं बनता कैसे है। पहले मैंने एक क्यूब बनाया इसको समझाने के लिए। जिससे आपको समझ में आए कि ये बॉन्ड है कैसा थ्री डायमेंशन में। अब मैं एक ऑर्बिटल बना रहा हूं जो कोई भी हो सकता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, कोई भी इसमें से आ गया आपके पास। मान लीजिए ये एक्सेस जो आपके पास एक्स एक्सेस है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, डी एक्स वाई, और ये भी क्या होगा, डी एक्स वाई। ये कोई भी एक्सेस मान लीजिए एक्स वाई है, तो ये जेड एक्सेस हो गई। समझ में आ रहा है, ये कौन सी एक्सेस होगी, जेड, बन जाने दो। अब आप मेरे को बताएं यहां डे जेड एक्सेस है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, पहले साइन दीजिए आप, ये कौन सा साइन होगा, प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो क्या ये हो सकता है प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो क्या यहां ओवरलैपिंग हो सकती है प्लस प्लस की, माइनस माइनस की, प्लस प्लस की, माइनस माइनस की, बोलो या सुनो। तो ये पहले तो ये बताइए ये जो ओवरलैपिंग होगी ये क्या होगी, पाई बॉन्ड। ये टोटल क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन इस पाई बॉन्ड में कितने ऑर्बिटल, कितने लूप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फोर, तो चारों तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो ये काफी स्ट्रांग पाई बॉन्ड होगा, नो डाउट बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन कितना ही स्ट्रांग हो सिग्मा से ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि डीडी के बीच में बनने वाला इस तरह का पाई बॉन्ड पीपी के बीच में बनने वाले पाई बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर की पॉइंट क्या रहेगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ड्यू टू फोर लूप ओवरलैपिंग, फोर लूप ओवरलैपिंग, जनरेटेड बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड एंड इट्स नॉन बाय डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड से। तो क्या डेल्टा बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोल सकते हो, हाँ, लेकिन पाई बॉन्ड को डेल्टा बॉन्ड बोल सकते हो, नहीं। ये क्लासिफिकेशन हो गया पाई बॉन्ड का भी, एक नॉर्मल पाई बॉन्ड और एक डेल्टा पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर, लिखो आप।